जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज, जिसमें टैक्स रेट, सेस पर लेवी सहित कई श्वेत अधिकार सहित मुद्दों पर होगा फैसला। 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा जीएसटी। कर्ज में डूबे सेक्टरों को राहत देने के लिए आरबीआई करेगा नए दिशा निर्देश जारी। वन टाइम सेटलमेंट के लिए नए नॉर्म्स में छूट दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। बैंक गारंटी के नियमों और पेमेंट टाइमलाइन में हो सकता है बदलाव। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की रेटिंग रखी बरकरार। बीबीबी नेगेटिव रेटिंग में 2 साल तक बदलाव नहीं करने पर भारत ने रेटिंग एजेंसी को जमकर लताड़ा। आर्थिक सुधारों का दिया हवाला, कहा निवेशकों और एजेंसियों की सोच में कोई तालमेल नहीं है। रोस्टरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्रू ऑप्टिमाइजर सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी खराबी के चलते जेट एयरवेज की कई फ्लाइट्स का संचालन नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई तथा अन्य स्थानों में कुछ उड़ानें रद्द की गईं। जेट एयरवेज की योजना 3000 साप्ताहिक उड़ानों की है, वहीं एयरलाइंस के पास 1200 पायलट है। हालांकि अब हालात सामान्य हैं। और कच्चे तेल में लगातार दबाव जारी है। हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल 1 महीने के हिसाब से 10% नीचे गिरा है, और ऐसे में जो क्रूड इंपोर्टर्स देश हैं जैसे कि भारत, उनको फायदा मिलेगा ताकि उनका करंट अकाउंट डेफिसिट घट सके।